दिल्ली मोर्चियां तो 380 दिनों तो बाद किसानां दी अज पंजाब हरियाणा ते होर सूबियां नूं वापसी शुरू हो गई है। किसानां दा थां थां ते जोरदार स्वागत किया जा रहा है ते किसानां नूं आपो अपने घर पहुंचण दे विच हाले समां लगेगा। सवेर तो रवानगी शुरू हुई है पर हाले तक हाईवे दे उत्ते सड़कां दे उत्ते जिथे भी किते देखते हैं तो किसानां दीआं ट्रालियां किसानां दे वाहन ही जा रहे ने। सत श्री अकाल जी, एमरजेंसी बुलेटिन देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरशरण कौर। दिल्ली फतेह करन तो बाद पंजाब आ रहे किसानों का हरियाणा दे विच थां थां ते भरवां स्वागत किया गया। सिर्फ पंजाब ही नहीं हरियाणा के किसानों की भी बॉडर तो वापसी हुई है। सिंघू और टिकरी बॉडर तो किसानों की वापसी हो गई है तो गाजीपुर बॉडर तो 12 दिसंबर नूं किसान आपो अपने घर वापस जाएंगे। इस तरह किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की जिहड़ी स्टेज लगी हुई है वह भी 13 दिसंबर नूं अपनी वापसी करनगे। गाजीपुर और सिंघू बॉडर से किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की जिहड़ी स्टेज है वह लगातार चल रही है। दोवां स्टेजां ते जिहड़े लोकां ने जिहड़े किसानां ने जां फिर किसानां दे हमायतियां ने संघर्षी किसानां दी हर हीले दे नाल मदद कीती उहनां दा ख्याल रख्या उहनां नूं सन्मानित किया जा रहा है। किसानां दा काफला फतेह मार्च के रूप में निकलिया। हरियाणे दे विच थां थां ते किसानां दा भरवां स्वागत किया गया ते जदों पंजाब दे विच किसान पहुंचे तो पिंडां दे विच तां वक्खरा स्वागत होया ही। नाल ही शंभू बॉर्डर ते होर जिहड़ियां धरने वालियां थावां सी जां जिन्ने टोल प्लाजियां दे उत्ते धरने लगे हुए ने जां फिर अंबानियां अडानियां दे कारोबार दे मूहरे धरने लगे हुए ने हर थां ते किसानां दा स्वागत किया जा रहा है। पैसे वारन तो लैके फुल्लां दी वरखा तां कीती ही गई ते खालसा एड ने तां उदों कमाल कर दित्ती जदों किसानां दे काफले दे शंभू पहुंचदिया ही हैलीकॉप्टर राही फुल वरसा के जी आया कहा गया। केंद्र सरकार दे वल्लों तिन्ने खेती कानून रद्द करन अते बाकी मंगां मन्ने जाण तो बाद मोर्चे दे सारे किसानां ने घर वापसी कीती। दिल्ली दे बॉर्डरां ते अरदास करन तो बाद सारे किसान वापस अपने घरां नूं परते। निहंग सिंघां दे वल्लों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी रहनुमाई दे विच काफला वापसी लई रवाना होया। निहंग सिंघां दा इह काफला 15 दिसंबर नूं सचखंड श्री दरबार साहिब विखे जा के समाप्त होएगा। हर रात इन्हां दा वख-वख थावां ते पड़ा होवेगा। हरियाणा दे किसान लीडर अभिमन्यू कुहाड़ ने हर किसान अते उन्हां दे हर वाहन ते गेंदे दे फुल्लां दी वरखा कीती। सब तो पहला जिहड़ा पड़ा है वह इन्हां दा ही लग्या होया सी। हरियाणा दे नौजवान किसान लीडर पढ़े लिखे किसान लीडर ने जिहड़े कि हर सरकार दे नाल होण वाली मीटिंग दे विच वी शामिल हुंदे रहे ने। इन्हां ने KMP ते किसानां दा स्वागत कीता, लड्डू वंडे गए ते नाल ही हर किसान दे गल विच हरे रंग दा किसानी नूं दर्शाउंदा सिरोपाओ पाया गया। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद जिन्होंने ईमानदारी से हमारे सच को दिखाया। एक बहुत कई न्यूज़ चैनल गोदी मीडिया तो हमारे खिलाफ लगी रही, आप जैसों का ही साथ रहा जो ईमानदारी से हम ये नहीं कह रहे कि हमारे पक्ष में दिखाया, सच दिखाया और सच हमारे पक्ष में था, न्याय हमारे साथ में था, इसलिए हमारी जीत हुई है। किस तरह तुसी स्वागत कर रहे हो, तुसी देखे हरे रंग दे सिरोपाओ तुसी दे रहे हो फुल्लां दी वरखा और फूलों के साथ कर रहे हैं। देखिए जो हमारा भाईचारा यहाँ पे बना है, एक जीत का फतेह की खुशी भी है लेकिन साथ में बिछड़ने का एक गम भी है। तो हम फिर मिलेंगे क्योंकि कहते हैं ना जैसे फूल गठड़ियों में आए हुए हैं, तो किसानों की समस्याओं को अगर गिनने लग जाए तो एक गठड़ी बंद जाएगी। अभी तो कर्ज मुक्ति की भी बात है, अभी स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू कराने की भी बात है, बहुत सारी चीजें हैं, तो लड़ाई आगे जारी रहेगी। भाईचारा ये मजबूत हो गया, भाईचारा जब तक मजबूत रहेगा तब तक कोई राजनीति कोई सियासतदान हमारा नुकसान नहीं कर सकते। KMP दे पहले पड़ा ते पहुंचन तो बाद राम सिंह राणा दे ढाबे गोल्डन हट दे विच सारे किसानों नूं मुफ्त दे विच नाश्ता करवाया गया। वापसी मौके किसानों का जोश उत्साह ते खुशी वेखदिया ही बनती सी। मोर्चा फतेह करन दी खुशी सारयां दे चेहरियां ते साफ झलक रही सी, चाहे वह बच्चा होवे जवान होवे बजुर्ग होवे जां फिर बीबी, हर कोई इस खुशी दे विच बहुत ही जोशो खरोश दे नाल शरीक हो रहा सी। किसानों ने ट्रैक्टर ट्रालियां ते सारा समान समेट के एक दिन पहला ही लद लिया सी ते 11 दी जिहड़ी 10 ते 11 दी दरमियानी रात है उस रात तो ही किसानों के काफले ने जिहड़े वो चलने शुरू हो गए सी। किसान लीडरां ने हालांकि सवेरे 9 बजे 11 दिसंबर की सवेरे 9 बजे KMP ते पहुंचन का सद्दा दिता सी। ये भी कहा गया सी कि मूहरे मूहरे किसान लीडरां दे वाहन होणगे ते उस तो बाद सारे किसानों का काफला होएगा, पर शायद किसान लीडरां दी उस तरीके दे नाल
तालमेल की कमी रही है सिंघू बॉर्डर से कि किसान जिहड़े किसान ने आम किसान मोर्चे दे विच शामिल सन वो आपो अपने हिसाब नाल आपो अपने तरीके दे नाल आपो अपने समय दे नाल वो बॉर्डर तो चाले पाते रहे। किसी ने कोई खास उड़ीक है जिहड़ी वो किसानां दी नहीं की। सो किसान लीडर भी आपो अपने जथे दे नाल आपो अपने काफले दे नाल अगे वधदे गए। किसानां ने मोर्चे विच रहण लई अपने जो बांस दे घर बनाए सी उहनां नूं पुट के ज़्यादातर किसानां ने ट्रकां दे विच लद्दिया, क्योंकि कई किसानां ने सानू ये भी दस्या कि जिहड़े ये बांस दे घर बनाए ने उन्होंने वो अपने पिंडां दे विच जाके वो सांझी थां ते स्थापित करनगे तां जो मोर्चे की जिहड़ी यादगार हैगी है वो कायम रह सके, सदियां तक कायम रह सके। बाकी काफ़ी सारा समान है जिहड़ा वो किसानां ने उत्थे जिहड़े स्थानक लोक रहिंदे ने उन्हां नूं भी दे दित्ता। वीरे आप ही बनाई सी की छन देख लो अज छड के जा रहे हो ते किहो जिहा लग रहा है महसूस हो रहा तुहानूं? जाण नूं दिल तां नहीं कर रहा जी। हाँ जी बहुत बुरा ही लग रहा है। खुशी भी है जी पर गमी भी है, पर खुशी सानूं आ भी असीं जित के जा रहे हां। कमी है कि इत्थे दिल लग्या होया सी इत्थे, चलो रहिंदे जी इत्थे पढ़ाई बड़े प्यार नाल बनाई सी रीज नाल अरेंजमेंट बड़े वधिया कीते सी हुण खाली छन छन लै गई छन छन लै गई। चलो कोई नहीं बाकी जित के जा रहे हां। किसानां दी वापसी दे दृश्य भी काफ़ी भावुक करन वाले सी क्योंकि दिल्ली बॉर्डरां ते बिताया एक साल किसानां दे लई बहुत अहम बन गया। इस एक साल दे विच किसानां दीआं आपस दे विच रिश्तेदारियां भाईचारक सांझां बन गईआं। अपने हत्थी बनाए घरां नूं पुट के लै के जाणा बहुत ही भावुक पल सी। दिल्ली दीआं सड़कां ते बनाए हुए अस्थाई तौर ते घर पुट्टण तों बाद दिल्ली दीआं सड़कां हुण सुन्नियां हो गईआं ने। स्थानक लोक भी किसानां नूं मिलदे हुए ते उहनां नूं विदा करदे हुए भावुक देखे गए। निहंग सिंह जथेबंदियों के वलों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सतिकार के लिए बहुत ही सुंदर पालकी सजाई गई। निहंग सिंह ने घोड़िया के उत्ते चाले पाए, हालांकि नाल वाहन भी वड्डी गिणती दे विच मौजूद ने। तस्वीरां दे विच तुसीं देख सकते हो कि एक नगर कीर्तन के रूप में निहंग सिंह की अगवाई दे विच मोर्चे की जिहड़ी वापसी है वह हुई है। संगत ने वध चढ़ के नगर कीर्तन के हिस्सा लिया। संगत ते फुल्लां की वर्खा स्थानक लोगों ने भी की। निहंग सिंह ने युद्ध कला के जौहर भी दिखाए रवानगी तो पहला। दिल्ली तो जित के परते किसानां दा फतेह मार्च शाम नूं करीब 4 बजे तो बाद पंजाब दे विच एंटर होया। तो इस मार्च की जां कह सकते हैं कि पहले काफले की अगवाई किसान लीडर बलबीर सिंह राजेवाल कर रहे सी। बलबीर सिंह राजेवाल अपने काफले समेत शंभू बॉर्डर ते पहुंचे, इत्थे भी जोरदार स्वागत किया गया। खालसा एड दे वल्लों हैलीकॉप्टर दे नाल फुल्लां दी वर्खा कीती गई। इस तों बाद किसानां दा प्रोग्राम शहीदां दी धरती श्री फतेहगढ़ साहिब जा के नतमस्तक होण दा रहा। 13 दसंबर नूं पंजाब दीआं 32 किसान जथेबंदियां दे जिहड़े लीडर हैगे ने ओह सचखंड श्री दरबार साहिब विखे नतमस्तक होणगे। इस तरहां दीआं तस्वीरां जिहड़ियां टिकरी बॉर्डर तों जिहड़े किसान चले ने उहनां दीआं भी दिखाई दित्तियां। ते राह दे विच सिर्फ फुल्लां दे नाल वर्खा ही नहीं कीती गई, सिर्फ गलां दे विच हार पा के ही स्वागत नहीं कीता गया, बल्कि थां थां ते लंगर भी लाए गए सन। किसानां दी दिल्ली मोर्चियां तो रवानगी ते कौमी शाहरा नंबर 1 ते जाम भी लगे रहे। हरियाणा दे किसानां वल्लों काफलियां दा सन्मान फुल्लां दी वर्खा करके कीता जा रहा सी। तां वाहन ने जिहड़े उह खड़े करके उहनां दे उत्ते फुल सुट्टे जा रहे सन, गलां दे विच हार पाए जा रहे सन, तां इस करके थां थां ते जाम लगदे भी देखे गए। KMP चौंक तो जदों किसानां दे जथे रवाना होए तां राई कस्बे वाले पासे हरियाणवियां ने नारेबाजी करदे हुए भी कहा, वड्डे भरा पंजाब दा धन्नवाद, हम जंग जित के चले हैं, ते होर इस तरह के नारे ने जिहड़े वह भी लगते देखे गए। गांव रायपुर की तरफ से किसान आंदोलन में पंजाब वाले भाइयों का हार्दिक अभिनंदन, बहुत स्वागत करते हैं। स्वागत करना थोड़ा प्लान सी कि सारा पिंड चाहता? पूरे गांव पिंड की तरफ से। मोर्चे दे विच भी तुहाडी शमूलियत रही है? हाँ बहुत सहूलियत रही है, हमने गाँव से चंदा दिया, अनाज दिया, डेली अपना अपना प्रोग्राम था। हाँ जी कब तक खड़े रहेंगे यहाँ पे? शाम तक इतना चुटनी साहब नहीं आऊंगे, उस चुटनी साहब का स्वागत करे पास हम गांव से गांव में जाएंगे। ते सरवानगी दे दरमियान सब तो जड़ी वड्डी गल देखण नूं मिली, हरियाणा पंजाब एकता जिंदाबाद
ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਦੇਖੇਗੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਈਨਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ, ਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਹਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤੇਰੇ ਜੋ ਕਿਰਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਬੂਹੇ ਆਈ ਪਾਪ ਦੀ ਜੰਝ ਖਿੰਝ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਬਾਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣਗੇ, ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲਾਈਫ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬਲਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਵਿਖਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਸਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮੇਟਿਆ, ਬਲਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਸਵੱਛ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਭਾਈ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ JCB ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਪੱਥਰ ਕੰਕਰੀਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਟਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਰੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ RCC ਪਿੱਲਰਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਸੜਕਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੋਕੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਪੂਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 20-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੋਗ ਹੋਏ ਦੇ ਨਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਲ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਵਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਿਖਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਛੋਟਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੋਸਪਿਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਵਾਲੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੰਦਗੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਉਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਉਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦਾ ਥਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਧਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਟੈਂਟ ਵੀ ਬਣਾਏ। ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰੂਪੀ ਨਾਗ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਲ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਘੜ ਕੇ ਹੜੱਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੱਠੀ ਰਾਜਾ
जनता का भी नुकसान करता है तो अपना भी करता है। चडूनी ने कहा कि दिल्ली दियां सड़कां खाली होण दे विच समां लगेगा क्योंकि टेंट वगैरह कट्टण दे विच समा जिहड़ा लग जांदा है, कुछ किसान वापस चले जाणगे ते कुछ हौली हौली करके जाणगे। चडूनी ने अंदोलन की जित का सिरा सारे किसानों के खास करके शहीद किसानों नूं दिता। जो पूंजीवाद रूपी नाग पूरे आम जनता को हड़प रहा है, ये उसका मुंह आज इस आंदोलन ने मोड़ा है। सवाल तीन कानूनों का नहीं है, सवाल ये है कि पूरा कारोबार, देश का, दुनिया का पूरा कारोबार, जो पूंजीवादी लोग हैं वो षड्यंत्र रच के हड़प रहे हैं और इस आंदोलन ने उसको रोका है, तो ये पूरी दुनिया के लिए ये आंदोलन एक अहमियत रखता है। किसानों की पूरा एक साल दुध पानी अते आटे दे नाल लंगरां दे नाल सेवा करन वाले गोल्डन हट ढाबे दे मालक राम सिंह राणा ने फिर किसानों का दिल जित लिया। राम सिंह राणा ने पहला ही ऐलान कर दिता सी कि 11 दिसंबर नूं जदों किसानों ने वापसी करनी है तो कोई भी किसान अपना चुल्हा ना बाले, सारिआं दा नाश्ता ढाबे दे उत्ते होएगा। तो उही होया, हर किसान दा नाश्ता इत्थे तैयार सी, छोले पूरियां दा जिहड़ा लंगर, दुध, चाह जां फिर गुलाब जामणा, वो सारियां जिहड़ियां चीज़ां ने वो किसानों नूं वरताईआं गईआं। तो नाल ही इत्थे तस्वीरां जिहड़ियां देखण नूं मिलिआ कि हर कोई किसान राम सिंह राणा दा धन्नवाद करदा देखिआ गिआ ते उहनां दे नाल तस्वीरां वी खिचा रहा सी। किसानों ने राम सिंह राणा की लंबी उम्र ते चढ़दी कला की अरदास की। राम सिंह राणा ने एक तरीके नाल बरात वांगू सारे किसानों का भरवां स्वागत किया। राम सिंह राणा ने कहा कि किसानों की सेवा करके बहुत माण महसूस होंदा ते मेरी जिंदगी का सब तो सुनहरी समा रहा हैगा कि मैं अपना कारोबार बंद करके किसानों की सेवा दे विच अपनी पूंजी लाई है। बहुत कुछ खोया पर बहुत कुछ हासिल भी किया, प्राप्त भी किया। अज बहुत इतिहासक दिन है, इस कह सकते असी, क्योंकि राणा जी ने एक साल तो लगातार इन्हों मुकदमे भी बहुत हो गए हैं। एक साल तो दोनों होटल गोल्डन हाथ किसानों की सेवा दे विच लाए हैं। तो अज जिहड़ा प्रोग्राम किया इन्होंने विआह अरगैक, आप जिवें बरात की सेवा करते हैं उवें गुलाब जामना, पूड़ियां, छोले, चाह, दुध, भैन मिर्गे, असी ये कह सकते भी इस बंदे का किसान अंदोलन नू सारी जिंदगी इन्हां नू भुलना नहीं चाहिए, इन्हां नू याद रखना चाहिए। इन्हां दी बहुत वड्डी कुर्बानी है ते इहनू सलाम करदे हां। जदों दिल्ली आया करोंगे जां दिल्ली तों पंजाब जाया करोंगे, इत्थे रुकिया करोंगे ढाबे ते? असीं तां रुकना, असीं पूरे भारत दे लोकां नू इह गल कहिंदे आ वी उह बंदे दे लई इत्थे आ के रुको जिहड़े बंदे ने अपना परिवार ही दाते लाता, करोड़ों रुपया का नुकसान झल लिया, दोनों एक साल तो होटल आ जोड़े वो बंद पे हुए आ। तो हर एक बंद जसाना प्यार करता, किसानी प्यार करता, चाहे किसी भी वर्ग के किसी भी फीलिंग के इतने रुकना चाहिए, क्योंकि इन्होंने साड़ी सेवा की आ। इन का जो इन का लॉस होया एक साल के असी इन का पूरा करना चाहिए। इस मौके किसानों ने खास तौर पर सारी दुनिया के लोगों नू, पंजाबियों नू, जां फिर जिहड़े लोग किसानों के संघर्ष नाल जुड़े हुए ने उन्हां नू अपील की कि जदों भी तुसी दिल्ली तो पंजाब जां फिर पंजाब तो दिल्ली जां हरियाणे तो दिल्ली जां दिल्ली तो हरियाणा जाओ तो राम सिंह राणा के जिहड़े दो ढाबे इस वक्त जिहड़े बंद हैगे ने उहनां ते जरूर तुसी प्रशादा पानी छक के जाओ, क्योंकि जिहड़ा 16-17 करोड़ उन्होंने एक साल के विच साढ़े ते लाया वो असी ही पूरा करना है। ते किसानों के फतेह मार्च की वापसी दौरान एक हादसा भी वापरिया है। पहला ही खदशा जताया जा रहा है कि जदों इन्नी वड्डी गिणती विच वाहन हाईवे दे उत्ते जाणगे तां कोई ना कोई घटना वापर सकती है। इस दे लई किसानों ने लगातार एक दूसरे नूं चेतन भी किया कि बहुत ही जिहड़ा कह सकदे कि अनुशासन दे विच रह के वाहन चलाए जाण, वापस जाया जावे। पर एक हादसा हिसार ते सिरसा दे विचाले वापरिया, ट्रैक्टर ते ट्राली हादसे का शिकार हो गई। हादसे विच दो नौजवान किसान अजय प्रीत सिंह ते सुखदेव सिंह दी मौत हो गई। दोवें नौजवान किसान कादियां जथेबंदी नाल संबंधित सन ते एक किसान दे जख्मी होने की भी खबर है। किसान लीडर बलवीर सिंह राजेवाल जदों मोर्चा फतेह करन तो बाद पंजाब दी धरती ते पहुंचे तां उन्होंने पहली वारी पंजाब च पैर धरन वेले मत्था टेकिया ते किसानां दे वल्लों शंभू बॉर्डर ते राजेवाल दा भरवां स्वागत किया गया। नाल किसान लीडर हरमीत सिंह कादियां भी मौजूद सन। किसान मोर्चे की जित अते पंजाब हरियाणा च वापसी ते दीप सिद्धू ने भी ट्वीट किया है,
दीप सिद्धू ने कहा कि बिना किसी ढांचागत तब्दीलियां की जित लीडरशिप की पूरी असफलता है क्योंकि उन्होंने को भविखबाणी करने की योग्यता नहीं है। सानू ईमानदारी समर्पित लीडरशिप की लड़ है। दिल्ली के मोर्चे समाप्त होने तो बाद हूँ पंजाब दे विच भी जिन्निया थावां ते 100 तो वध थावां ते धरने लगे हुए ने वह सारे भी 15 दिसंबर नूं समाप्त कर दिते जाणगे। ते किसानी मोर्चा खत्म होने की रात का इंतजार करन तो पहला ही नैशनल हाईवे ने टोल प्लाजा ते अपनी ड्यूटी ते बह के तैयारी शुरू कर दिती है। किसानी अंदोलन दे विचकार ही नवे रेट भी आ गए ने जिस तो आम जनता बिल्कुल अणजाण सी, यानी कि टोल प्लाजे ने जिहड़े ओह महंगे हो चुके ने ते हुण जो दोबारा खुलणगे फिर लोगों नूं झटका लगेगा। नवें लगे नैशनल हाईवे दे रेट लिस्टां देख के लोगों के होश उड़ने शुरू भी हो गए ने ते अपने आप नूं हुण लोग शायद ठग्या महसूस करनगे। बहराम टोल प्लाजा राही फगवाड़ा ते नवांशहर विचकार सफ़र करन लई हुण टोल महंगा हो गया। पहलां एक पासे दा टोल जिहड़ा कि 50 रुपये हुंदा सी हुण वध के 90 रुपये हो गया, यानी कि 40 रुपये महंगा हो गया। दो पासे दी यात्रा लई पहलां 75 रुपये देने पैंदे सी हुण वध के 135 रुपये हो चुके ने। पंजाब ते हरियाणा विच लगे सारे टोल प्लाजियां ते रेट इसे तरीके नाल वधा दित्ते गए ने। हालांकि स्पष्ट नहीं किया गया कि टोल टैक्स लागू कदों तो होणगे वधे हुए टोल टैक्स। खैर संभावना तो यही जताई जा रही है कि पंजाब दे विच सारे धरने 15 दिसंबर नूं खत्म होण तो बाद सारे टोल प्लाजे मुड़ तो शुरू हो जाणगे। हरियाणा के खेतीबाड़ी मंत्री JP दलाल ने किसान अंदोलनकारियों की घर वापसी के लिए धन्यवाद किया है। नाल ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते BJP की सरकार हमेशा चाहती है कि किसान खुश रहन, उन्होंने बच्चे अगे वधन। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वालों भी 13 दिसंबर नूं सारे किसान लीडर जदों सचखंड श्री दरबार साहब विखे नतमस्तक होणगे तां उन्हां दा सन्मान किया जाएगा। पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी किसानां दी घर वापसी ते खुशी प्रगटाई। कैप्टन ने अंदोलन नूं किसानां दा तप त्याग अते तपस्या दस्या। कैप्टन ने कहा कि किसानां दा अनुशासन, समर्पण, दृढ़ इरादा ते लगन ही सी जिसने केंद्र सरकार नूं आखिरकार एक कानून रद्द करने के लिए मजबूर कर दिता ते अंदोलन विच किसानां दी जित हुई है। नाल ही कैप्टन ने आस प्रगटाई है कि पंजाब सरकार चोणां तों पहलां कांग्रेस पार्टी दे चोण मनोरथ पत्र विच किसानां नाल कीते अपने सारे वादे पूरे करेगी। कैप्टन ने कहा कि मैं इन्हां विचों बहुत सारे वादे तो पहलां ही पूरे कर चुकिया ते बाकी हुण चोण जाबता लागू होण तों पहलां पूरे होने चाहीदे ने। किसान जिथे फतेह मार्च दे नाल वापसी कर रहे ने उत्थे नाल ही नाल पंजाब सरकार नूं सुनेहे वी घल रहे ने कि हुण पंजाब दे विच असीं संघर्ष विढ़ांगे जे मौजूदा सरकार ने अपने कीते वादे ना पुगाए, जिन्हां दे विच्चों सब तो अहम वादा सारी कर्जा माफ़ी का वादा है। तो हुण मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी मौके की रमज पछाणदिया होया 17 दिसंबर नूं किसान लीडरां की बैठक सद लई है ते बैठक पंजाब भवन दे विच होवेगी। खबरां मिल रही ने कि इस बैठक का मुख्य एजेंडा जिहड़ा किसानां दी कर्ज माफ़ी का ही होवेगा। कुछ दिनों पहला मुख्यमंत्री चन्नी ने पंजाब दीआं सारीआं किसान जथेबंदियां दे लीडरां नाल चंडीगढ़ दे विच बैठक कीती सी। उदों 18 दे विच्चों 17 मुद्दिआं ते सहमति बन गई सी, पर कर्जा माफ़ी का मुद्दा जिहड़ा लटक गया सी ते हुण उस मुद्दे ते चर्चा करन दे लई शायद मुख्यमंत्री चन्नी ने मन बना लिया। एक दिन पहला पंजाब दे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जदों मानसा दे विच पहुंचे सी तां चन्नी दी रैली दे दौरान जां कह लईए कि उन्हां दी फेरी दे दौरान जिहड़े बेरोजगार अध्यापक सी जां फिर कच्चे अध्यापक सी जिन्ने भी लोग उत्थे मुजारा करन लई पहुंचे सी उन्हां ते जो लाठी चार्ज कीता गया है उस नूं लै के चन्नी सरकार दी जम के निखेधी हो रही है। डायरेक्टर टू ट्विटर ने भी मुख्यमंत्री चन्नी तों ट्वीट राही एक सवाल पूछा है कि मुख्यमंत्री जी तुहाडी मानसा विखे रैली विच अपने रुजगार लई गल रखण आए अध्यापकां ते तुहाडी सिक्योरिटी दे DSP गुरमीत सिंह ने अन्नेवाह लाठी चार्ज कीता है कि अपने सूबे दे मुख्यमंत्री मूहरे अपने हक्कां लई गल रखण ते सानू डांगा मिलणगियां। उन्होंने जिहड़े सूबे दे सिक्ख्या मंत्री प्रगट सिंह हैगे ने अते DGP पंजाब पुलिस हैगे ने उन्हां नूं वी नाल टैग कीता है। साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार नूं कहा कि वह कौमी राजधानी दिल्ली विच हवा प्रदूषण लई पंजाब ते हरियाणा दे किसानां नूं जिम्मेदार ठहराना बंद करे। हरसिमरत ने कहा कि वातावरण, जंगलात अते जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दे वल्लों दिल्ली विच हवा प्रदूषण दा मुख कारण पराली ना साड़न दे कहण तो बाद भी केजरीवाल सरकार पंजाब ते हरियाणा दे किसानां नूं बदनाम करदी रही है। उन्हां मोदी सरकार नूं अपील कीती कि किसानां नूं पराली दी संभाल वास्ते मुआवजा दित्ता जावे। सरकार नूं इह कह के भी याद करवाया कि सुप्रीम कोर्ट ने किसानां नूं पराली सांभण लई 100 रुपये प्रति क्विंटल देण दा सरकार नूं हुक्म दित्ता सी, पर पिछले 3 सालां तों सरकार ने इस हुक्म ते कोई अमल नहीं कीता। असली बात यह है कि पंजाब हो या और कोई कृषि राज्य, में अपनों की बात कर सकती हूँ कि सदियों से किसान अपनी पराली को जलाते आ रहा है। पंजाब का एरिया कोई बढ़ तो नहीं गया है, उसकी खेती बाड़ी कोई बढ़ तो नहीं गई है, तो ये पोल्यूशन जो हर साल अब पिछले कुछ सालों से पंजाब के किसानों को या हरियाणा के किसानों को बताया जाता है, इसके
जड़ तक पहुंचने की जरूरत है कि इसका कारण क्या है। और आज भी जो देश अन्न में संपन्न है तो सबसे बड़ा योगदान वीट और पैडी में उसमें पंजाब राज्य का और हरियाणा राज्य का योगदान है, जिस करके ये दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का पेट भरने का काम ये छोटा सा राज्य जो सिर्फ 2% लैंड है वो करता है। देश को अन्न संपन्न करने के लिए हमारे किसानों ने जी जान लगा के मेहनत करी और ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के चक्कर में वहां पे हमारा ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो गया। और आज ये देखा जाए कि चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे सॉयल हो, इन सब की कंटेमिनेशन होने के कारण जहां पानी कम है, पीने का पानी तक साफ सुथरा नहीं आता। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे नु लेके मोदी सरकार ते निशाना साधया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि बीजेपी का असली नारा इज्जत बचाओ फोटो छपाओ है। राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि 2015 दे विच तुसी ये मुहिम शुरू कीती सी, पर इसका देश दियां धीआं नू किन्ना क लाभ होया, इस बारे हर कोई अपनी अपनी राय जरूर रखे, पर सरकार ने स्कीम ते किन्ना खर्च किया है, इस बारे एक रिपोर्ट आई है। इस दे मुताबिक सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का लगभग 80% इस दे प्रचार ते ही खर्च कर दिता है, जबकि अमली तौर पर धीआं नू जो देना सी पढ़ाउण वास्ते जो उन्हां लई प्रबंध करने सी उस ते सिर्फ 20% ही खर्च किया गया। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ PRTC ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਲਗਾਤਾਰ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਨ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ PRTC ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ, ਉਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, 20 ਦਿਨ ਮੰਗੇ ਸੀ ਕਿ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ 20 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਨੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਨੂਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ CDS ਵਿਪਨ ਰਾਵਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CDS ਰਾਵਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਫੋਲੋਅਰਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਖਿਚਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਸੀ। ਨੂਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੁਖਦਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਅਤੇ 6 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹੀ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੇ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਫ਼ਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਅਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੇ ਇਸ ਰੌਲੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ 2 ਡੋਜ਼ਿਸ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਟੀਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ 2 ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਵੀ ਖੋਜਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਉੱਧਰ US ਨੇਵੀ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੇਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੇਵੀ
सिविल सर्विस स्क्वाड्रन 14 के कमांडर लूसियन किन्स को यूएसएस विंस्टन चर्चिल की सेवाओं से मुक्त कर दिया गया है। किन्स पहला जल अधिकारी है जिसने टीका लगाने से इनकार किया है। पहला ही अधिकारी है जिसने इनकार करने से बर्खास्त किया गया। विश्व बैंक ने दसा कि अंतरराष्ट्रीय दानिया ने अफगानिस्तान के संयुक्त राष्ट्र के भोजन और सेहत सेवाओं को फ्रीज किए फंडों में 280 मिलियन डॉलर देने के लिए सहमति दी है। तो यह खबर अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार के लिए काफ़ी राहत वाली खबर है, क्योंकि जो तो तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है तो उत्थे आर्थिक तौर पर मंदहाली छाई हुई है। अगस्त में तालिबान के सत्ता में परतन तो बाद अफगानिस्तान को वित्तीय सहायता रोक दी गई थी, जिस तो बाद देश डूंगे आर्थिक संकट के नाल जूझ रहा है। तो हुण 280 मिलियन डॉलर की सहायता मिलने के नाल काफ़ी हद तक इतों की आर्थिकता के सुधार आने की आस है। एमरजेंसी बुलेटिन देखने वाले सारे दर्शकों का धन्यवाद।